नमस्ते गाइस, कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि पूरी जो हमारे वनडे कंपटीशन में भी आता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग जुडिशरी है तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग जुडिशरी कहाँ की है, डेट इज़ इन द यूएसए. तो जितने भी इनोवेटिव टूल्स हैं, लाइक जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल आउटरीच है, पीआईएल है, ये सारे के सारे टूल्स जो हैं यूएसए की देन है, जो इंडिया ने आगे अडॉप्ट किया है. जुडिशियल रिव्यू को सबसे पहले हम समझते हैं, जुडिशियल रिव्यू है क्या, जुडिशियल रिव्यू में क्या चीज आती हैं, और जुडिशियल रिव्यू किन किन केसेस के लिए हो चुका है. ठीक है, क्योंकि गाइस कई बार हमारे प्रीलिम्स के पेपर में और मेंस के पेपर में जुडिशियल रिव्यू से क्वेश्चन आ जाता है. तो सबसे पहले नाम से ही पता चला, रिव्यू. रिव्यू क्या करना, जो जुडिशरी है वो रिव्यू करेगी बने हुए कानून को. ठीक है, तो तीन चार बातें आप अपने दिमाग में घुल के पी जाइए. सबसे पहली बात, इट इज नॉट द पावर ऑफ कोर्ट टू डू द जुडिशियल रिव्यू बाई इट्स ओन. कभी भी कोर्ट अपने आप जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा. इट कैन बी डन आफ्टर द पिटिशन फिल्ड, देन इट कैन बी जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, दूसरी चीज, जुडिशियल रिव्यू सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स है. सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पावर का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 के तहत जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है. एंड वॉट डज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मीन्स जो कोर्ट है, इट इज़ द पावर ऑफ कोर्ट टू आइडेंटिफाई द लॉज विच आर मेड बाय द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, वेदर इट इज एक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नॉट, एंड इफ द लॉज विच इज मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव और द लेजिस्लेटिव विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, देन इट इज द पावर ऑफ कोर्ट टू डिक्लेयर इट एज अ नल एंड वॉइड. ओके, मतलब जो भी वैधानिक है या फिर एग्जीक्यूटिव है, कोई भी ऐसा लॉ बनाता है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वॉइड है. ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, या बेसिक स्ट्रक्चर को पूरा नहीं करता है, तो कोर्ट के पास पावर है, उसे व्यर्थ डिक्लेयर कर सकता है. ठीक है, अच्छा गाइस एक चीज और, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स यूपीएससी 2015 में भी क्वेश्चन आया है. तो याद रखना, लॉ कौन बनाता है, लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है, और तीसरा जुडिशरी वैलिडिटी को चेक करता है कि क्या एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के द्वारा जो भी कानून बने हैं, एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर जैसे ऑर्डिनेंस है, और लेजिस्लेटिव के लॉ के द्वारा जो भी कानून बना है, क्या ये कानून वैलिड है कि नहीं है. तो इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना सिर्फ कोर्ट की पावर है, और वो कोर्ट हमेशा पिटीशन के बाद करता है, तो इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं. राइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जुडिशियल रिव्यू में गाइस तीन बातें ध्यान रखना. अब ये आप कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिए. सबसे पहली बात, फेयरनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन में फेयर होना चाहिए, अगर फेयर नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा. ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए. दूसरी चीज है, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटेड फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन. सिटीजन्स के जो भी फंडामेंटल राइट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट को कहा गया है इट इज द मग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है कि एवरी इंडिविजुअल शुड एंश्योर अबाउट द फंडामेंटल राइट. तीसरा है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. ठीक है, ये तीन चीजें आप याद रखना, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. जो भी केंद्र और राज्य कानून बनाता है, तो वो कानून जो है एक दूसरे के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में उनको देखना कि क्या एक दूसरे के विरोध में तो नहीं आ रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है, तब बीच में कोर्ट इंटरफेयर करेगी. ठीक है, दिस इज व्हाट डज कम इन द जुडिशियल रिव्यू. अब जुडिशियल रिव्यू का हमें मतलब समझ में आ गया. अब जुडिशियल रिव्यू का मतलब समझ में आया, तो अगर हम बात करें केसेस की, तो गाइज देर आर सो मैनी नंबर ऑफ केसेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट आई विल गिव यू द सम रीसेंट एग्जाम्पल्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जुडिशियल रिव्यू में देख सकते हैं, जैसे लाइक बाबरी मस्जिद केस.
ठीक है, या फिर बाबरी मस्जिद केस, तो पीआईएल का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, बाबरी मस्जिद केस ले लो, या जुडिशियल रिव्यू एनजेएसी ले लो। आपको याद होगा 2015 में कोलिजियम सिस्टम से एनजेएसी बनाया, तो उस समय पे पीआईएल डली थी, ठीक है, तो फिर जुडिशियल रिव्यू हुआ था, ये भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। गैस एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जुडिशियल रिव्यू के। हमारी जो इंडियन पॉलिटी है इसमें तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, बाबरी मस्जिद केस है, ट्रिपल तलाक में जुडिशियल रिव्यू हुआ है, एनजेएसी में जुडिशियल रिव्यू हुआ है, ये सारे के सारे केसेस हैं जो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड हैं। तो ऐसे हमारे प्रीलिम्स के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू, तो आप आंसर दे सकते हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू चेक द अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच इज मेड बाय द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। मेन्स के पेपर में आ सकता है। इन द कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स देयर इज लॉट ऑफ केसेस रिलेटेड टू द जुडिशियल रिव्यू, डू एक्सप्लेन हाउ इट इज रेलिवेंट। ओके, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, और वन डे कॉम्पिटिशन में तो जितना मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बोला है वो सारे वन डे में पूछ सकता है, ठीक है। तो गाइस जो यूपीएससी के बच्चे हैं वो मेंस आंसर राइटिंग करो, और जो वन डे कॉम्पिटिशन के बच्चे हैं वो इस वीडियो को सुन के साथ साथ कॉपी में नोट डाउन करते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।